बिल्कुल फिल्म के बारे में बताइए कि कितना मतलब देख पाती हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्तर है और क्या? हूँ तो मैं हिंदी फिल्म एक्ट्रेस एंड टीवी एक्ट्रेस, बट बहुत जुड़ाव है मेरा बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी एंड अपने यूपी में तो मतलब कितना भी हिंदी हो इंग्लिश हो लेकिन अपना भोजपुरी सिनेमा जो है दैट्स नंबर वन. एंड विनोद जी बिकॉज हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो आई थिंक तकरीबन 4 साल से मैं कितनी भी बिजी हूँ शूट पे हूँ. लास्ट टाइम मैं शूट करी थी दिल्ली और स्पेशली फ्लाई करके अवार्ड्स के लिए आई थी. सो दैट इज़ द कनेक्शन और वो इतनी मोहब्बत है मुझे भोजपुरी अवार्ड से और भोजपुरी एक्टर्स से. तो खुद आप हिंदी फिल्मों में काम किया है, सीरियस में काम किया, क्या करें भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो करना चाहेंगे और किस तरह के रोल प्ले करना चाहेंगे बेसिकली? कॉमेडियन हूँ तो डेफिनेटली कॉमेडी, बट मुझे आती नहीं है, बस इतनी आती है ठीक बा. कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि काफी आपको प्रभावित करते हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, जो कि लगते हैं कि हां काफी? आई लाइक रवि किशन, ही इज अ गुड फ्रेंड आल्सो. रवि किशन इज वेरी नाइस एंड संभावना सेठ, शी इज अ टेरिफिक डांसर एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. देन स्वीटी, क्योंकि मेरा नाम स्वीटी तो स्वीटी से मुझे बड़ा प्यार है. एंड मोनालिसा, निरहुआ, एवरीबॉडी इज वेरी गुड. आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है फिर की, मेरा पहला प्रोडक्शन है. नील नितिन मुकेश, करण सिंह ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, के मेनन, इन सबको लेके एक फिल्म बनाई है मैंने और अभी लंदन से अभी आई हूँ शूट करके. और उसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ बबलू बैचलर, शर्मन जोशी जी के साथ उनकी बुआ का किरदार निभा रही हूँ. और उसमें मुझे इसलिए अच्छा लगा करना क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ और हमारी पूरी शूटिंग जो है लखनऊ में हुई है. सो मज़ा आ रहा है करने में. तो सुधीर जी कुछ बताना चाहेंगे, जो फिल्म आप प्रोड्यूस कर रही हैं क्या उसका बेस है फिर की? मतलब काफ़ी अनकॉमन नाम लग रहा है लेकिन अच्छा काफ़ी. हाँ, फिर की ऑफकोर्स तो टोपी. सो इट्स अ थ्रिलर, थ्रिलर है और बाकी तो हम बता नहीं सकती अभी, बट थ्रिलर है, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे. एंड ग्रैंडियर बहुत है फिल्म में बिकॉज पूरी फिल्म लंदन में शूट हुई है और जैकी श्रॉफ जैसे यू नो महान कलाकारों के साथ और के मेनन जी, नील नितिन मुकेश, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य. काफ़ी बड़ा चैलेंज है और काफ़ी मचमच भी होती है और काफ़ी टेंशन भी होती है. और जैसे मैंने एज अ प्रोड्यूसर अपनी लाइफ 2 महीने गुजारी लंदन में और आते ही 4 दिन बाद मेरा बबलू बैचलर का स्केड्यूल था और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे ख्याल से एक्टर की ज़िंदगी सबसे अच्छी होती है, वैनिटी से सिर्फ ऑर्डर मारो और प्रोड्यूसर की लाइफ बड़ी ख़राब होती है. थैंक यू सो मच.